ये भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाय भैंस हैं, बच्चे उनके ये हैं सारे बांधे हुए हैं, और वो भी सारा ये निज़ाम के लिए सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। गाइस अभी आपको हम एक चीज़ दिखाने लगे हैं, तो वो लड़का जो जा है जाकर वहाँ पे बैठ गया, तो वो देख सकते हैं आप जो पैर में हमने घोड़ी सट कर के दे दी, अभी ये जा रहे हैं देख सकते हैं। तो गाइस अभी इनकी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हम सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं कपरा भाई, हमारे तरफ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नहीं मैरिज वर्ल्ड। तो अभी जोर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर आया हूँ, तो अभी जो है पुराना व्लॉग जो मैंने एडिट कर लिया था वो अभी जाके अपलोडिंग पे लगाते हैं। थोड़ी देर बाद अकेडमी का भी टाइम हो जाएगा, तो फिलहाल घर चलते हैं, धूप भी आप चेक कर सकते हैं। यार आप देख सकते हैं आज मौसम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, धूप है लेकिन हवा भी साथ अच्छा रही है, तो गुजारा चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी की आज पाँचवा रोज़ा है और तमाम रोज़े फिलहाल तक ठीक जा रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं घर और वीडियो अपलोडिंग पर लगाते हैं, और फिर थोड़ी देर तक अकेडमी का टाइम हो जाए। तो गाइस वीडियो अपलोडिंग पे लगाएगा ठीक है, जब भी मैं मेरी अकेडमी के पास आ चुका हूँ, टाइम तकरीबन 3:45 का हो चुका है, और चलते हैं सामने, बिल्कुल दरवाज़ा ये सामने आ चुका है, बल्कि अकेडमी पूरी सामने आ चुकी है। तो अंदर चलते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने, और फिर मिलते हैं आपसे फ्री होकर। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह यार असर की नमाज़ पढ़ ली है, तो एकेडमी आए थे तो आपको पता, फिर वापस जेल में जाना तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता रास्ता, तो इधर ही हमने नमाज़ पढ़ी है, सामने वो मस्जिद है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस एकेडमी, अभी एक नया रास्ता हम आपको विज़िट कराते हैं यहाँ से, सूजी कुत्ती भी हम आपको दिखाएँगे। कंट्रोल कंट्रोल सामने चेक कर सकते सूजी कुत्ती, फिजान भाई ब्रांड है ना ये, मजे शजे सारा डेरा है। तो रास्ता चेक कर सकते, कठिन रास्ता है समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, कपड़े बचा के चलना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं जी एकेडमी वापस, हमारे साथ हैं मोहिब, काशिफ और फिजान, पीछे सुभान साहब भी हैं। तो यहाँ पे भी गायें भैंसे आप देख सकते हैं, रास्ता बहुत ही ख़राब है, ये रास्ता साफ है यार, इधर से जाओ। ये भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे अच्छा गाय भैंसे बच्चे उनके ये हैं सारे बांधे हुए हैं, और वो भी सारा ये निज़ाम के लिए सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, माशाल्लाह। ऊपर कबूतर भी हैं देख सकते हैं आप। तो अभी हम जा रहे हैं जी वापस एकेडमी, तो पढ़ते हैं, पढ़ कर फ्री होकर फिर आपसे मिलेंगे हम। काशिद वो आगे जा रहा है, वो देख सकते हैं, वो जा रहा है सामने, वो तो शॉर्ट का रास्ते से गया हुआ सामने वाले, हम ये सीधे रास्ते से जा रहे हैं। दरमियान में जो रास्ता आपने देखा था उसे इग्नोर थोड़ा सा कर देना, नहीं वो थोड़ा सा हमें शॉर्ट पड़ता था, इसलिए फिर हम भाई उसी रास्ते से हैं। तो वापस हम रोड पे आ गए, तो सामने चलेंगे एकेडमी और फिर ये आपसे मिलते हैं। यार अभी रोज़े का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, और यहाँ पे हम थोड़ी देर खेल रहे हैं जी बैडमिंटन, ये अली और तारिक और ये छोटा, क्या नाम है आपका, अमार शाह साहब, ये इनके साथ हम थोड़ा बहुत शुगल कर रहे हैं। उधर भी लड़के खेल रहे हैं, चेक कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं लड़के, टाइम पास कर रहे हैं, हम भी अपना यहाँ पर जो है वो टाइम पास कर रहे हैं। और 6:25 पर मेरे खास है रोज़ा अफ्तार है ना तारिक, 6:25 का रोज़ा अफ्तार है, 26 पर आज पाँचवा रोज़ा अलहमदिल्ला से, अभी 6:06 हुए हैं, 7 तो थोड़ी देर खेलते हैं और फिर अफ्तारी की तैयारी शारी करते हैं। अफ्तारी की तैयारी तो हुई होगी, हमने सिर्फ जाकर अफ्तारी करना है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, दुआ करनी है आपको, पता अफ्तारी में थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। तो मज़ीद 10 से 15 खेलते हैं, 10 हाँ तकरीबन 10 खेलते हैं और फिर चलते हैं वापस घर। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह यार रोज़ अफ्तार कर लिया था, अभी शुक्र की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं जी मस्जिद में, मस्जिद बिल्कुल ये पास ही आके अभी जूते उतारते हैं और अंदर चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के देखते हैं कितने बजे तकरीबन 8:30-9 पौने 10 फ्री हो जाते हैं, देखते हैं कि आज कितने बजे फ्री होते हैं, जूतियाँ उतारते हैं और चलते हैं अंदर। मुझे भी लगाना
Day 2. वेलकम बैक हो गया यार, तुम सब कहने थे ब्लॉग में, तो कल मैंने ब्लॉग बनाया था लेकिन इतना ज़्यादा कोई खास बन नहीं सका, लेकिन थोड़ा सा ही बना था। मैंने कहा फिर आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो आज भी ब्लॉग बना लूँ। काफ़ी दिनों के बाद कॉलेज जा रहा हूँ। पिछले वीक में बुध वाले दिन वेनसडे को गया था और आज ट्यूसडे हो गया अगले वीक का, नेक्स्ट वीक का। तभी मैं दरबार के पास करूँ, बाबा नौगजा सरकारी दरबार सामने कब्रिस्तान है, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का इंट्रो कर लूँ। ब्लॉग के यहीं से फिर आगे शहर वाले साइड पर जाना, मुझे रोकना थोड़ा मुश्किल है, मेरा साथ बात करना होता है, स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाता है, मसला बन जाता है। अभी चलते हैं, कॉलेज टाइम हो चुका है 7:45 का और 8:30 से पहले पहले हमने इंशाल्लाह पहुँचना है, तो चलते हैं कॉलेज, देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा दोस्त आया हुआ है, तो क्या कोई आज क्लासेस कैसे होती है, रोज़ा भी है, देखते हैं आज रोज़ा कैसे गुजरता है। पहला रोज़ा है कॉलेज में जाते हुए, रोज़ा है पहला रोज़ा रख के मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यानी कि आज है छठा रोज़ा लेकिन पहला रोज़ा रख के मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसा गुजरता है रोज़ा, तो मिलते हैं कॉलेज पहुँच कर। जो है टीचर अभी तक क्लास में नहीं आई, तकरीबन 9:45 का टाइम हो चुका है। मेरे साथ शरियार भाई, अब्दुल राफे और हमारे क्लास के थोड़े बहुत लड़के, क्लास देख सकते हैं पूरी खाली है, ये आंखें यार चेक कर सकते हैं भाई की बड़ी प्यारी है, रोजी कलर की आंखें, अभी कैमरे में सही नजर नहीं आएंगी, तो बाकी लड़के तो कम ही आए हैं, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह पीरियड होते हैं यार। क्या कह रहे हैं भाई, कैमरा सीधे ही है, आप टेंशन ना ले। बाहर का मॉल भी आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का मॉल, तो देखते हैं कि मैम आती है नहीं, कपल तुम्हें लग नहीं रहा कि आती है, वरना मैम अगर लेट भी होना 5 से 10 मिनट ज़्यादा लेट, तो आज कल काफ़ी ज़्यादा लेट होती है, देखते हैं कि बाकी पीरियड होते हैं या नहीं होते। आज कॉलेज आ तो क्यों हूँ भी मैं अकेला, देखते हैं क्या सीन है, मेरा अपना दोस्त भी नहीं आया, क्लास भी तकरीबन आधी से भी कम है, तो देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। गाइस अभी आपको हम एक चीज़ दिखाने लगे हैं, तो वो लड़का जो है जाकर वहाँ पर बैठ गया, तो वो देख सकते हैं आप जो पेड़ मार गया, तो रोला मेरे को जानता नहीं है, मार के भाग गया क्लास। गजब बेइज्जती है। गाइस अभी यार वापसी का टाइम हो चुका है, पार्किंग में आप देख सकते हैं सारे लड़के मोटरसाइकिल अपना निकाल रहे हैं, जिन जिनकी छुट्टी हो गई है, बाकी जिनके इस्लामियात का पीरियड है बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 40 मिनट बाद लेट, यानी कि 12:30 पर छुट्टी होगी, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, 11:50 का टाइम हो चुका है, तकरीबन इंशाल्लाह 12:30 तक घर पहुँच जाएंगे हम इंशाल्लाह, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट है तो अभी निकलते हैं और फिर घर पहुँच गई आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं शाह जी गाड़ी उठाते हुए बड़ी जल्दी से निकल रहे थे, शर्मा क्यों रहा है, हैं जा किधर है आप। तो गाइस अभी हम आए हैं घोड़ी लेने, ये हमने लेके जानी है मोटरसाइकिल, हम दो लेके आ चुके हैं, और थैंक यू शाह जी गाड़ी का, पूरे दो हो गए, गाड़ी भी दिखाया, दो हो चुके हैं जी, तो अभी संदर वर्तला भी हमारे साथ, वो भी आ चुके हैं सामने आप देख सकते हैं, तो अभी गाड़ी उठाते हैं मोटरसाइकिल पर रखते हैं और चलते हैं वापस सामने बाहर की तरफ। अच्छा भाई, हम घर के अंदर सीधा चले गए थे, वरना पहले मैं आपको ना ज़रा घर बाहर से दिखा दूँ, तो ये माशाल्लाह शाह साहब के दोस्त है। समझ रहे हो आप, तो ये दो शर्ट बनाए हुए शाह साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने नसीब करे, तो अभी हम पहले इधर से गए थे, मुझे घर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे जो थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर भी बैठक है मेरे ख्याल से, ये गैराज हो गया, वॉशरूम सीढ़ियों, और इधर भी कमरा, इधर भी, इधर शायद किचन होगा, और इधर ओपन सिस्टम रखा हुआ है, मेरे ख्याल से दोनों सेट हैं और दोनों मेरे ख्याल से एक ही जैसे हैं, तो अभी मोटरसाइकिल हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वापस घर और देखते हैं कि क्या शुगर मिला, हमने घोड़ी सेट करके दे दी, अभी ये जा रहे हैं देख सकते हैं। तो गाइस अभी इनकी गाइस उनकी तरफ मारो कैमरा, इसको समझना पड़ेगा हमें, Oh, 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 oh
गाइस अभी यार हम जा रहे हैं जी असर की नमाज़ पढ़ने का। मैंने मस्जिद जरा वापसी पर दिखाई थी, आज मैं जिला जरा मैं शुरू से दिखा दूँ आपको। तो ये सामने है जी मस्जिद, आप देख सकते हैं इसका मीनार नहीं, अभी ये अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन का काम इसका साथ साथ हो रहा है। अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अंदर से भी एक दफ़ा आपको दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अंदर से मस्जिद वैसे है माशाल्लाह बहुत प्यारी, लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल ये अभी काम होना है। कशी भाई की आपके ख्याल में कितने अर्से में इसका काम मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह महीने डेढ़ में हो जाएगा अगर आपने पैसे डाले हुए। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डाले। तो अभी चलते हैं वजू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह यार इशा की नमाज़ पढ़ ली है, तरावी पढ़ ली है, तो अभी हम जा रहे हैं जी घर। और इसी आज की व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करने जा रहा हूँ। उम्मीद है जो दो दिन का मैंने मिक्स करके व्लॉग बनाया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके ऑल पर लाजमी क्लिक कर दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सुबह सारी के टाइम। अल्लाह हाफिज़।